अपहरण, हत्या, बलात्कार। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग, इन्हीं सुरागों के बिना पर मिलती है सज़ा। लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव। आई नज़र डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। सिर अंदर और धड़ गया बाहर, रात भर दरवाजे में फंसा रहा चोर, सुबह मिली मौत की खबर। नाबालिग लड़की से गैंगरेप, दो नाबालिग लड़कों ने खेत में अकेली पाकर किया ये हाल। उपचार के दौरान महिला की मौत, भाई ने लगाया हत्या का आरोप। अब खबरें विस्तार से। सिर अंदर और धड़ रह गया बाहर, रात भर दरवाजे में फंसा रहा चोर, सुबह मिली मौत की खबर। वाराणसी में चोर की मौत के एक अजीबोगरीब मामले में हर किसी को दंग कर दिया है। एक तस्वीर को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि युवक का सिर चोरी की कोशिश के दौरान दरवाजे में फंस गया, जबकि शरीर का बाकी हिस्सा बाहर ही रह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हैरान कर देने वाली यह घटना वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के दनियालपुर की है। सारनाथ थाना इलाके के दनियालपुर इलाके में स्थित पावर लूम सेंटर के दरवाजे में फंसकर एक युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि चोरी के इरादे से पावर लूम में घुसते वक्त चोर की सिर दरवाजे में अटक गया, जिसे छुड़ाने की कोशिश में वह मर गया। इस अजीबोगरीब वाक्य का देखने के लिए वहां तमाशबिनों ने भीड़ लगा दी। पावर लूम निजाम नामक शख्स का है। काम न मिलने के कारण लूम दो दिन से बंद बताया जा रहा है। दरअसल दरवाजे में ऊपर की तरफ लॉक लगाया था। आशंका जारी की जा रही है कि चोरी की नीयत से गुस्से वक्त चोर ने दरवाजे को खींचने की कोशिश होगी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया और वह फंसा रह गया और उसकी मौत हो गई। नाबालिग लड़की से गैंगरेप, दो नाबालिग लड़कों ने खेत में अकेली पाकर किया ये हाल। मामला दर्ज प्रतापगढ़ जिले के जेटवारा थाना क्षेत्र में एक दलित किशोरी से उसके ही गांव के दो नाबालिग किशोरी ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। जेटवारा थाना प्रभारी निरीक्षक अजीत शुक्ला ने बताया कि शनिवार रात को 15 वर्षीय लड़की शौच के लिए खेत में गई थी, तभी गांव के ही 15 वर्षीय 17 साल के दो किशोरों ने उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि पीड़ित ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना को अवगत किया। परिजन पहुंच रविवार को पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर संबंधित धारा और अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी जांच दर्ज की। पीड़िता को चिकित्सा जांच के लिए भी भेजा गया। उपचार के दौरान महिला की मौत, भाई ने लगाया हत्या का आरोप। पति की पिटाई से घायल हुई महिला की इलाज के दौरान आगर में मौत हो गई। परिजन शव को लेकर घर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिरसा गंज थाना क्षेत्र के गांव सराया शेख निवासी मोहम्मद इकराम का कहना है कि उसकी बहन रुबीना का निकाह करीब 10 साल पहले सिरसा गंज थाना क्षेत्र के गांव अरावा निवासी साबिर के साथ हुआ था। साबिर शराब पीता है, इसका विरोध उसकी बहन द्वारा किया जाता था। दिवाली पर साबिर शराब के नशे में घर पहुंचा था। बहन के विरोध करने पर पति ने उसके सिर पे लकड़ी का पट्टा मार दिया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। तब से उसका उपचार आगरा के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। रविवार उसकी मौत हो गई। परिजन शव को लेकर घर पहुंचे। महिला का शव आने पर की सूचना, काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। थाना अध्यक्ष सिरसागंज उदय सिंह मालिक का कहना है कि महिला की मौत हुई है, तहरीर आते ही तो मुकदमा दर्ज की जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।